जावेद साहब, मेरी तो पूरी कोशिश होती है आपको मेल पूरी कर दूँ, मसला यही क्रिएट हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक मिनट कॉल करता हूँ। यार यमुना, तुम्हारा मसला क्या है? तुम फिर आ जाती हो। अगर तुम लड़की नहीं होती मैं डैड 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 रुके डैड 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 रुके मम्मा मम्मा जल्दी आए, छोड़ो इसको, छोड़ो डैड, छोड़ो छोड़ो कह रहा हूँ। शाहजेब डैड डैड यू ओके? शाहजेब पीछे हटो, हटा पीछे। शाहजेब क्या चाहती हो तुम? तो अब कौन सा खेल खेल रही हो? शाहजेब शाहजेब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, मैंने सब सही कर दिया है। कुछ ठीक नहीं है, सब खराब कर दिया है तुमने, और जब से तुम आई है तुमने तकलीफें ही दी हैं। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझे। ठीक है, ये लेटर पढ़ो। जिंदगी मुझसे मेरी अच्छाइयों की इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगी, ये मैंने सोचा नहीं था। मेरी नेकियों मेरे खानदान को बिखेर देंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब सच्चाई को साबित करने के लिए रिश्तों या अपनी जान में से किसी को कुर्बान करना पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी तरजीह दी मैंने। यह आराम मौत मेरी इस तकलीफ दा जिंदगी से शायद ज़्यादा मुश्किल ना हो। मेरे खिलाफ जो साजिश बनी गई, अब कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं। मैं अपने बच्चों और अपनी बीवी को माफ़ करता हूँ। मैं तो यमुना को भी कसूरवार नहीं ठहराता। वो भी रिश्तों की सताई हुई है, प्यार की तलाश में पागल बन चुकी है। आप सब लोग मुझे माफ कर दें, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। डैडी क्या है डैड? मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने अपने सुख में की तलाश में आप लोगों का सुख उजाड़ दिया, लेकिन आज ये जो सब हुआ है ये सब उस ख्याम का कसूर, सब कुछ उसने किया है। ख्याम का कसूर? लेकिन वो तस्वीरें तो झूठी नहीं थी, फिर कैसे? बेवकूफ लड़की, वो इतना तेज और शातिर आदमी था ना, उसने शाहजेब को मेरा झूठा मैसेज देकर मिलने बुलाया और मुझे इनका झूठा मैसेज देकर मिलने बुलाया और वहां हमारी तस्वीरें ले ली। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं शाहजेब बेपनाह इश्क करती हूँ और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सारी जिंदगी मुझे ना माँ का प्यार मिला ना बाप की शफकत। जैसे ही शाहजेब मेरी जिंदगी में आए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जिंदगी के सारे रिश्ते मिल गए, लेकिन इस सब में मैं आप सबके बारे में भूल गई थी, खुद गर्ज हो गई। चले जाओ यहाँ से साहब, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, चले जाओ। शाहजेब शाहजेब मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसके बाद मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वो ये कि मैं आपसे बेपनाह इश्क करती और ये करने से मैं खुद को रोक नहीं सकती। मुझे पता है कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, बहुत दुख दिया है मैंने आपको, लेकिन आज के बाद मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें आज के बाद ख्याम कभी तंग नहीं करेगा, तुम बहुत बेहतर डिजर्व करती।